नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में। सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। लोकसभा चुनाव चल रहा है, माहौल सियासी है, नेता जीत हार के समीकरण में लगे हुए हैं, रैलियां और प्रचार चल रहे हैं। लेकिन नेताओं के इतर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो सियासत में बहुत नज़दीक जाकर नौकरी छोड़कर हाथ आजमाने की तैयारी में रहते हैं और बहुत सारे लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो अफसरों को काफ़ी लुभाती है। ख़ास तौर से जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आईएएस और आईपीएस अफसरों की सियासत में तेज़ी से एंट्री शुरू हुई है और कई ऐसे लोग हैं जिनको मंत्री भी बनाया गया है और कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री बन सकते हैं, आगे चलकर मंत्री बनने की लाइन में हैं। भाजपा के टिकट पर उतरे ऐसे नेताओं को जनता ने काफ़ी हाथों हाथ लिया है। कोई विधानसभा में है तो कोई लोकसभा में पहुंचा है। जो वर्तमान लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव में आज हम बात उत्तर प्रदेश के उन अफसरों की करेंगे जो नौकरी में रहते काफ़ी नाम कमाते रहे, अच्छे ओहदों पर रहे और नौकरी छोड़कर या रिटायरमेंट के बाद भी उनकी किस्मत लगातार बुलंदी पर है और वो सरकारी ओहदों पर बैठे हुए हैं जहां कभी नेता बैठते थे। आज बात हो रही है सबसे पहले 1994 बैच के आईपीएस अफसर रहे साकेत मिश्रा की। साकेत मिश्रा भाजपा के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे हैं और साकेत मिश्रा भी 1994 बैच में आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे। बाद में वो नौकरी से इस्तीफा देकर विदेश चले गए। अब वो दोबारा वापस राजनीति में लौटे हैं और अब श्रावस्ती लोकसभा से बीजेपी के वो उम्मीदवार हैं। साकेत के पिता नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह के प्रमुख सचिव रहे हैं, यानी कि वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूपी की सियासत में आईएएस और आईपीएस अफसरों की एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसी फेहरिस्त है जो अभी भी पदों पर कायम है, मंत्री बने हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह आपको याद होंगे जो बागपत से दो बार बीजेपी के टिकट पर सांसद हुए। 1988 बैच के आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं और वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। राजेश्वर सिंह यूपी पुलिस के बड़े अफसर रहे, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे और आज भाजपा के लखनऊ से विधायक हैं। ये सब नाम ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे तो अपने वक्त में इन्होंने अपनी सेवा में रहने के दौरान काफ़ी नाम कमाया, नौकरी छोड़कर सियासत में प्रवेश किया और सफलता के शिखर तक पहुंचे। सत्यपाल सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे लेकिन उनका टिकट इस बार कट गया है। अरविंद शर्मा गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे और आज उत्तर प्रदेश में दो बड़े विभागों के मंत्री हैं। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे और आज उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के। ब्रिजलाल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं और योगी सरकार में SC ST आयोग के चेयरमैन बने, आज राज्यसभा के सांसद हैं। हरदीप पुरी भले ही दूसरे राज्य के हैं, आईएएस अफसर हैं लेकिन देश की इस समय कैबिनेट में वो मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, MP हैं। तो ये भी यूपी को ही श्रेय हासिल है उनको राज्यसभा में भेजने का। राजेश्वर सिंह जो बीजेपी के इन दिनों विधायक हैं, वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ईडी उसके ज्वाइंट डायरेक्टर रहे। अफसर
राजनीति में क्यों आता है, इसके पीछे एक तर्क यह है क्योंकि वो हरदम मंत्रियों और सरकारों के आगे पीछे रहते हैं, लिहाजा वो सरकारों में रहते रहते नेताओं के सारे दांव पेच सीख जाते हैं। मौका पड़ने पर कब कहां पाला बदलना है ये भी उनको आ जाता है, और यही वजह है कि जहां जहां मौका मिला अफसर चूके नहीं, और कई तो ऐसे हैं जिनकी किस्मत नौकरी के बाद ज़्यादा चमकी, यानी कि वो मिनिस्टर बने, केंद्र में मिनिस्टर बने, यूपी में बने, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, ये सब तमाम नाम इसके उदाहरण हैं। अब बात